सस्ते शश्के में आप सबका वेलकम है और मैं हूँ सैयद साकिब। और आज डेली रूटीन का पहला जो है वो व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैं उठ गया हूँ और उठने के बाद फ्रेश हुआ हूँ, और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो अपना सेलफोन चेक करना होता है कि इसमें किस किस की कॉल आई हैं और किस किस के मैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने व्हाट्सएप से, देख रहे हैं यहाँ पे कितने मैसेजेस वगैरह आए हैं। तो सबसे पहले हसनैन जी का मैसेज आया और हसनैन जी ने लिखा हुआ है कि जब उठे तो कॉल करना। तो सबसे पहले अब हसनैन जी को ही कॉल करते हैं। हसनैन जी क्या कहते हैं? हसनैन का जा रहा है व्हाट्सएप बंद। अब इसके भाई को कॉल करते हैं, हसनैन से पॉसिबल है कि बात हो जाए। और सारा दिन क्या होगा, क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 11:10। ये आप देखें 11:10 हो रहे हैं और मैं फ्रेश हुआ हूँ। और उससे पहले अम्मा जी की कॉल आई थी और कॉल भी जो है वो बहुत उनकी दुआओं के साथ आई थी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो ना। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट हमारा अभी रेडी हो रहा है। तो ब्रेकफास्ट भी आपको बताते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो क्या रूटीन होगी वो भी सारी शेयर करेंगे आपसे। आए तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। जानिश हमेशा मेरे जो है ना वो अंडे खा लेता है, टिटिंग करता है तो, और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाता। ये जनाब राम। हाँ जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र। हसनैन क्या हुआ? मंगोवाल जाना है, क्या करना है? चलो मंगोवाल मैंने भी जाना है तो चलते हैं, आता हूँ मैं। ठीक है हसनैन जनाब इस टाइम पे आ चुका है और हम निकलने लगे। अब देखो हसनैन रास्ते में क्या चलने मारता है, सामने ही खड़ा फुली रेडी। और अब चलते हैं हसनैन की तरफ। पर्स तो यार मेरा घर पे ही रह गया, मैं ले आऊं दोबारा। पैसे नहीं है हसनैन मेरे पास। अरे देवा, सो सोली चाहिए मुझे दादा। चाहिए आग लेने वाले। तो पर्स उठा लिया, पर्स ले लिया हसनैन ने। बहुत हरामी हो बेटा आप, बड़ा हरामी हो बेटा। और इस टाइम पे हम जा रहे हैं बागड़िया वाला, क्योंकि हसनैन जी की कॉल तो आपने सुनी होगी। उन्होंने पहले जाना था जमील साहब के साथ, तो जमील साहब की टांग में थी दर्द, तो जमील साहब बैठे हुए घर पे। हसनैन जनाब पीछे अपने बिठा के मुझे पूरी झटके। हम बागड़िया वाला के नजदीक है, पर हम बागड़िया वाला करने क्या जा रहे हैं हसनैन? डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं अपने फ्लाइट के, डॉक्यूमेंट्स लेने जा रहे हैं अपने, पासपोर्ट वगैरह। लो जी पासपोर्ट, पासपोर्ट आए, मजे मजे आए, आए 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 मजे। बकायदा हसनैन जी जो है वो सच्ची में रोमानिया जा रहे हैं भाई, सच्ची में जा रहे हैं, सच्ची में रोमानिया यूरोप। दे 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 दे, देख तो कैसे शर्मा। अच्छा जनाब, कैब पीछे हसनैन जी ने जो है वो बाइक भगाई हुई थी और कैब गिर गई मेरी। अब कैब भी दिखाते हैं आपको जहाँ पे हसनैन जी ने दिखाई थी पीछे। मेरे सामने जो है वो बागड़िया वाला का विलेज इस टाइम पे आ चुका है। यही तो बात होती है गांव की, गांव में जो है वो सुकून होता है। आप देखें यहाँ पे कोई जो है वो शोर गुल नहीं है सिवाय हसनैन की बाइक चलाने का। और इस टाइम पे मेरा ख्याल है हम पहुंच गए। हसनैन जी अपना वीजा चेक करते हुए, हसनैन जी मुबारक हो, कॉल आ गई भाई। हसनैन क्या तासुरात है तेरे? तासुरात जी कुछ हो गया यार। ओ परदेसी, परदेसी परदेसी बच्चा हमारा। कोई नहीं हसनैन, एक जो है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कामयाब इंसान होके आएगा। अच्छा जी, तो हसनैन जी का पासपोर्ट लेने के बाद हसनैन जी की खुशी देख तो कैसे शर्मा रहा। वापसी अपने विलेज, और विलेज से होते हुए फिर हम जाएंगे मंगोवाल। आप देखें कितना जबरदस्त है, और ये मेजर मेजर पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के। बाय बाय, नहीं हाय करने आए, हाय करते। ओहो ओए,
भाई तू कहा एटीएम कार्ड तू क्यों भूल गया है? तेरा कितना वेट किया तू क्यों भूल गया है एटीएम कार्ड? अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ मेजर जी। अस्सलाम वालेकुम मेजर जी, आप जब भी नहीं उठ के डाले चले। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अस्सलाम वालेकुम मेजर। हाँ जी मंगोवाल जा रहे हैं जनाब। मैं और मेरा मंगोवाल का सफर स्टार्ट हो गया है और इसने आज जो है वो बहुत ही बेशर्मी की हदें पार की हैं। पहले एटीएम भूल गया, एटीएम लेने गया, उसके बाद वॉशरूम में बैठा मोबाइल भूल गया, फिर यहाँ पे आके मोबाइल लेने गया। अब मंगोवाल जा रहे हैं तो फिर आपसे जो है वो मंगोवाल पहुँच के जो है वो डिस्कस हो गया। मंगोवाल जनाब देखें आप, इस टाइम हमने जाना है बाजार और बाजार से कुछ चीज़ें लेनी है। हसनैन ने एटीएम से पैसे निकालने और फिर उसके बाद हसनैन को कुछ काम है वो भी ये करेगा, हसनैन कुछ करेगा। पेड़ भी निकला हुआ है। हाँ पेड़ भी निकला हुआ है हसनैन का। ये पेड़ वैसे कैसे निकला है हसनैन? ये तो दूध पी गया है। दूध पी गया है बच्चे अभी हो मिले छोने नन्ने मुन्ने का के फीडर में दिया था। फीडर में हसनैन ने देखा दूध पिया। यू सीरियस? ये आ गए बैंक और हसनैन ने सबसे पहले जाना है बैंक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं? सब से ठीक है। आज आपको भी हम कैमरे में लेके आए हैं। क्या बात है, ये बड़े भाई हैं जनाब हमारे। और सुनाए भैया, ड्यूटी अच्छी जा रही है, काम अच्छा जा रहा है? बिल्कुल। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ये बड़े भाई हैं और इन्हीं के सामने मैं बड़ा हूँ। क्या रिटायर आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी मैन है, आर्मी मैन, अभी भी आर्मी मैन है। क्या बात है, आप दें ड्यूटी तो हम जो है वो कुछ काम निपटाएं। आओ असल ATM यूज़ करना है हसनैन ने। ओ भाई हसनैन सारा कैश मुझे दे देना आज, ठीक है? 3,000 नहीं चाहिए मुझे, जितना ATM में कैश है ना वो सारा मेरे हवाले कर दे। नहीं नहीं करा, पता नहीं क्या कर रहा है हसनैन। तेरा ही है ना ये? मेजर का माल। अच्छा मेजर का माल। लो भाई हसनैन का पहला काम तो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया। अब दूसरा कहाँ जाएंगे? मेन बाजार में जाएंगे। क्या खरीदना है? अच्छा बेटे, बाजार से पहले हमने कहाँ जाना है वो नहीं बताना है। क्यों? वो नहीं, चोर पड़ते पीछे, तेरे होते हुए कोई चोर नहीं पड़ेगा। चेंज वहाँ से जो है वो हसनैन जी ने लेने, यूरो करेंसी चेंज करा ली। लो भाई हसनैन चेंज तुम्हारी आ गई है। लोग तो हम आए थोड़ा करीब हो यार, ऐसे हम बता नहीं सकते। इसकी कोई चड्डी दिखा दो इसके साइज। लो भाई कलर हमारे सामने आ गए मुझे तो रेड ठीक लग रहा है। आप जो नीचे पहन लोगे पक्की बात है यार, आपको आइडिया दे दो। ये रेड ये तो आता रहता है ना आपके पास, ये रेड सूट करेगा। ऊपर पहन लगे सुपरमैन बनेगा। पाँच सौ रुपए में बहुत जबरदस्त। नहीं ठीक ठीक और जायज बताया, इसको पैक करो ताकि हम जाएं अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ और वहाँ पे अपना कंटिन्यू करें व्लॉग। अच्छा इस टाइम पे एक चीज़ तो हमने ले ली है, बहरहाल अब दूसरी हसनैन जी ले लिया जाएंगे बाजार में। मुझे हसनैन ने अब लेना है टायर्स और ले ली है चड्डियाँ। सीधा हमने जाना था भाई, सीधा कहाँ जा रहे हैं? मोरलाड वापसी। हसनैन तू शुरू से गलत रास्ते पे क्यों जाने का आदी है भाई? यहाँ पे एक शॉप आई है वहाँ पे रुकते हैं हसनैन, वहाँ पे टायर्स मिल जाने तेरे साइज के, इधर ही रोकना इधर। यहीं पे खड़ी कर देना बाइक, यहीं पे लगा दे तो थोड़ी साइड पे आने जाने का रास्ता तो दे। अच्छा जनाब इस टाइम टायर्स तो मिला नहीं, बहरहाल अब हम जो है ना बाजार लेने जा रहे हैं बाजार से। अब क्या बाजार में रह गया? सरसों का तेल क्या करना है सरसों का तेल भाई? तूने बालों पे लगाना। अच्छा बालों पे लगाना है, ठीक है। तो सरसों के तेल के लिए जो है वो हम जा रहे हैं, और इस टाइम पे मेरा भी कुछ घर का काम था वो भी लेना है,
एक जो है वो प्लास्टिक की लेनी है, बर्नी गन है वो लेनी है। तो अब शॉप पे जाते हैं तो आपको बताते हैं ये तेल वाली शॉप आई गई है। तेल असलैन कौन सा लेना है, इतने ज़्यादा तेल पड़े हैं। दो सरसों होती है ना, एक पीली होती है काली, ये कौन सा तेल? ठीक है, ये पीली सरसों का भाई, पीली सरसों का ठीक है ना तेरे लिए? चलो भाई तेल तो हो गया, अब हम जाते हैं सामने। यार शॉप वो सामने शॉप है। भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप क्या बना रहे हो, तो हसनैन जी ने पूरा बताया कि आप यूट्यूब पे आओगे और ये फुल प्रोटोकॉल दिया है।